फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसका टॉपिक है किस तरह से अगर जो आपका टिकॉन बोर्ड कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा है या कोई एक वोल्ट या दो वोल्ट बद है जो पैनल बूस्टर के, जैसे VGH, VGL, VCOM और AVDD, इनमें से कोई भी वोल्टेज बंद हो तो उसकी जगह आप या तो सब के सब वोल्टेज लगाने हो तो किस तरह से लगाओगे, उसके लिए इस तरह के पैनल बूस्टर बोर्ड अवेलेबल हैं मार्केट में। और ये वाला जो रेगुलेटर है ये 3.3 करके इस IC को दे रहा है। सो, इसमें एक ही कॉइल होती है नॉर्मली बूस्टिंग के लिए और एक कॉइल जो है रेगुलेशन के लिए 3.3 वोल्ट की। सो, शुरू करते हैं दोस्तों किस तरह से ये बोर्ड लगाया जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पर मैंने एक पावर सप्लाई रखा हुआ है, DC पावर सप्लाई, जिसमें वोल्टेज एंड करंट का ये है। इसमें फाइन एंड कोर्स दोनों ही होता है। कोर्स मतलब जल्दी बढ़ाना, फाइन मतलब छोटी छोटी वेरिएशन, पॉइंट की वेरिएशन लेनी हो तो फाइन वाला घुमाना होता है। यहाँ पे दो आउटपुट जैक्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने कनेक्ट कर दिया इस वायर के साथ, यहाँ पर पैनल बूस्टर बोर्ड के साथ आप कनेक्शन देख सकते हैं। पहले यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वायर जो है यहाँ कनेक्ट किया है। अगर जो आप 3.3 वोल्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप डायरेक्टली 3.3 दे सकते हैं 12 की जगह पर। अगर जो 12 वोल्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ लगाना होगा, जो कि 12 वोल्ट इस रेगुलेटर के थ्रू 3.3 होकर इस IC में इनपुट होंगे। तो मैं पावर ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रीडिंग दिखा रहा है ये 11.9 वोल्ट। हम मल्टीमीटर पे भी चेक कर लेते हैं ये कितने वोल्ट बता रहा है। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है 12.01 वोल्ट, यहाँ आप देख सकते हैं। और आउटपुट जो है इसमें चार आउटपुट्स जो ये बोर्ड निकाल रहा है वो है VGL। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर पे -4 की रीडिंग बता रहा है। तो ये हमने मिनिमम पे सेट कर रखा है इसको। अगर जो आपको सेट करना है तो यहाँ पर VGL के लिए यहाँ पर एक प्रीसेट दिया हुआ है, इस प्रीसेट को घुमाना होगा। आप मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हैं, आप मल्टीमीटर पे दिखा सकते हैं। इसकी रीडिंग जो है हम -5 से लेके कंट्रोल का, सो आप देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है इसकी -2.7 वोल्ट है। सो हम इसे एक बेसिक वैल्यू पे रख देते हैं -5 वोल्ट। अब हम दूसरा वोल्टेज देख लेते हैं VCOM। यहाँ पर टेस्ट, ये जो पॉइंट है आउटपुट पॉइंट VCOM का, और यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं कितना बता रहा है, 4.3 वोल्ट बता रहा है। हम इसे 6 वोल्ट पे सेट कर देते हैं। VCOM का जो प्रीसेट यहाँ पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीसेट दिखा दीजिए, ठीक है। फोकस VCOM का जो प्रीसेट है हम घुमा रहे हैं, आप मल्टीमीटर पे रीडिंग बताएं। हम 6 वोल्ट मैक्सिमम, इसमें आप 14 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, हम इसे 6 वोल्ट पे रख देते हैं। ये इसकी प्रिसाइज वैल्यू होगी जो VCOM के लिए हम देंगे। अब तीसरा देख लेते हैं AVDD। यहाँ पर आप देखेंगे मीटर पे 14 वोल्ट बता रहा है और AVDD वोल्टेज सेट करने के लिए यहाँ पर प्रीसेट दिया हुआ है, ये वाला प्रीसेट AVDD के लिए। फोकस ले लो और इसकी आउटपुट वेरिएशन आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पर। ये मैक्सिमम 14 वोल्ट और मिनिमम इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 3.1 वोल्ट जो रहेगी। मल्टीमीटर दिखाइए आप, 14 वोल्ट। अब हम VGH की वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप मल्टीमीटर दिखाइए और जो टेस्ट पॉइंट है वो दिखाइए अभी। ये जो आउटपुट पॉइंट है VGH का, जहाँ पर मेरा मल्टीमीटर का प्रोब टच है। अब मैं वेरिएशन के लिए जो मैं प्रीसेट यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा जो डिसमिस मैंने लगा रखा है प्रीसेट। सो यहाँ आप वेरिएशन देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मल्टीमीटर दिखाइए आप, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है 11.89 वोल्ट है और जो मैक्सिमम वैल्यू है हम इसे घुमाकर 28 वोल्ट तक कर सकते हैं
और हम रखेंगे इसे 27 वोल्ट। और VGL की जो सेटिंग है, अब हम सारे वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं जो हमने आउटपुट पे सेट किया है। अब मैं मल्टीमीटर पास में रख के दिखा देता हूं आपको। यहां पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मैंने -5 वोल्ट सेट किया हुआ है। VCOM की जो वैल्यू है वो 6 वोल्ट पे सेट की हुई है। AVDD के लिए जो सेटिंग है वो 14 वोल्ट सेट किया हुआ है। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं इसकी। और जो VGH की वैल्यू है 27 वोल्ट। और इसके लिए जो दिए गए प्रीसेट्स हैं वो एक तो यहाँ पर VGL के लिए है ये वाला प्रीसेट, जिससे आप VGL की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रीसेट जो है वो VGH के लिए, और ये VCOM के लिए, और ये वाला AVDD के लिए। तो इनकी जो भी वैल्यू आपको कम ज़्यादा करनी है आउटपुट इनपुट यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ आप मल्टीमीटर पे दिखाइए, यहाँ अगर जो मैं 12 वोल्ट ना देके 3.3 डायरेक्ट इन करता हूँ तो भी ये बोर्ड चलेगा, ठीक है। सो देख लिया दोस्तों ये किस तरह से काम करता है। अभी हम करंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप करंट दिखा सकते हैं, ये 17 मिली एम्पियर करंट लेगा ये बोर्ड, और 12 वोल्ट पे चलने वाला है। आप 3.3 पे भी चला सकते हैं इस बोर्ड को। अब मैंने पावर सप्लाई स्विच ऑफ कर दिया है, अब मैं इसे सोल्डर इस पॉइंट पे कर दूंगा, दिखा सकते हैं। और AVDD की आउटपुट जो है वो करीबन 11.2 वोल्ट बताएगा। VCOM जो है वो 5 वोल्ट बराबर, और EL बोल सकते हैं यहाँ पर -5 वोल्ट बता रहा है। सो यहाँ पर सभी वैल्यू जो है कम कम हो जाएगी, बिकॉज हमने इनपुट जो है वो 3.3 पे दिया हुआ है। ये डायोड पे है, मैं डायोड के दूसरी एंड पे चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड पे जो देखेंगे आप 2.6 वोल्ट बता रहा है डायोड की एक साइड में, और डायोड का जो आउटपुट होगा 11.3 वोल्ट AVDD आउटपुट ये डायोड निकाल रहा है। सो ये कॉइल के थ्रू, ये डायोड के थ्रू आउटपुट जो निकलेगा वो AVDD आउटपुट होगा। सप्लाई आपको मिसिंग हो, इंडिविजुअल भी आप एक एक सप्लाई भी लगा सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक का बटन है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाजू में नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। थैंक्स ए लॉट दोस्तों, बाय।